न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर मैंने जब प्रूफ करवाया था अभी, तो प्रूफ के अंदर मैंने ये प्रूफ मीन्स कि मैंने जब ये लॉ बताया मॉडिफाई करके, मैंने आपको ये बॉक्स में एक फॉर्मूला लिखने को कहा था। सबसे ज्यादा काम का यही फॉर्मूला एक्चुअल में, तो आपने नोट कर लिया ये फॉर्मूला। क्वेश्चन आएगा कि सपोज एक कोई भी बॉडी, और हाँ ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इस फॉर्मूले में डी टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, स्मॉल डी टी का मतलब टाइम है, अब कैपिटल टी का मतलब वैसे बॉडी का टेम्परेचर है। आप खुद सोचें, अगर बॉडी का टेम्परेचर 80 और 70 हो गया, तो फिर टी क्या लें, 80 लें, 70 लें, या 71 लें, 72 लें, 73 लें, इंस्टेंटेनियस है ना, तो कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। हम एवरेज लेंगे ना, एक अपर एक लोअर का एवरेज लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एवरेज टेम्परेचर। वैसे ही अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है मेथड, एवरेज लेना कोई स्टाइल नहीं है, सही काम नहीं है, एक्चुअल में इंटीग्रेशन ही सही काम है, पर क्योंकि हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना और सही फॉर्मूला है ये, और एवरेज लेने से सही आंसर आ जाता है, हम इसको एवरेज ही लेंगे, एवरेज टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल में ये गिवन होगा, एक बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है और उस बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया 7 मिनट में, तो अगले 7 मिनट में उसका टेम्परेचर क्या होगा ये बताएं। तो प्लीज ये मत कहना कि 60 से 40 हो गया, अच्छा 20 डिग्री सेल्सियस गिर, हाँ ठीक है तो 20 हो जाएगा। भाई अगर तुमने ऐसे ही कर दिया ना, तो न्यूटन फेल हो जाएगा, मैं तो यहाँ पे इतना बड़ा लॉ उसने किया है, तो फिर वो क्या कर रहा है बैठ के। तो आप प्लीज ऐसे तुक्के मत मारना कि प्रोपोर्शनैलिटी से मत करना। तो रूल लगाना, ये रूल है, केस नंबर वन बनाना, बॉडी का टेम्परेचर 60 से 40 है, तो न्यूमिनेटर में डी टी की जगह क्या पुट करेंगे, 60 माइनस 40, टाइम की जगह 7 मिनट, माइनस के को ऐसे रहने दें। फिर कैपिटल टी एवरेज टेम्परेचर है, 60 और 40 का एवरेज 60 प्लस 40 बाई 2, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होगा, यहां पर कितना गिवन है, 10 डिग्री सेल्सियस, पुट कर दिया केस नंबर वन। फिर अगले केस में फिर लगाएं 40 और टी में, तो टेम्परेचर डिफरेंस की जगह 40 माइनस टी, टाइम की जगह 7 मिनट, एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, 40 प्लस टी बाई 2, और सराउंडिंग का 10। इन दोनों ही क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना, तो 7 से 7 कैंसिल, माइनस के से माइनस के कैंसिल, अपने आप टेम्परेचर आ जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस ये आंसर। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे होगा, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये सही फॉर्मूला है, मेडिकल वाले, नीट वाले, एनसीईआरटी वाले, मेंस वाले, इसी फॉर्मूले को नंबर वन प्रायोरिटी दें। एक मेथड टू है, मेथड टू ओनली फॉर नॉन मेडिकल, लिख ले नॉट फॉर एनसीईआरटी एंड नॉट फॉर नीट ऑल्सो, चाहिए ही नहीं अपने को, बस हो गया अपना काम। तो मेथड नंबर टू में नॉन मेडिकल वालों के लिए फिर से एक बार एक काम करते हैं, वही रूल लगाते हैं जो ऊपर प्रूफ में लिया था, और मैंने ने इंटीग्रेट किया था, बस फर्क किया था जो इंटीग्रेशन की इसमें लिमिटें लगाई थी मैंने, तो इसी रूल को फिर से पकड़ रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं लिमिट्स लगा के। मान लो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली T1 है, जब T1 आप चाय का कप लाए, T1 है, तो मैंने स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया, तो टाइम क्या था, 0, और कुछ टाइम टी के बाद टेम्परेचर कितना हो गया, T2, T1 से T2, कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, T1 से T2। तो ये क्या देगा आपको, लॉग ऑफ T माइनस T0, कहां से कहां, T1 से T2, इंटीग्रेशन से माइनस के इंटू टी। तो यहां पे कैपिटल टी की जगह एक बार अपर लिमिट, कैपिटल टी की जगह एक बार लोअर लिमिट। मैथ्स का रूल है, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकंड टर्म, लेकिन उससे पहले ये माइनस के टी को प्लस किया, तो ये टर्म इधर आ गई, ये टर्म इधर आ गई, तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई सेकंड टर्म। तो लॉग जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा, e^(kt)। मैंने मेंस के पेपर में ये रिजल्ट को सीधा ऑप्शन में मार्क आता हुआ देखा, सीधा ऑप्शन मार्क करना। तो अगर किसी ने ना देखा हो, देखो वो कर नहीं पाएगा एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट, तो समझ में आ रहा है, मेडिकल में आज मैं कह नहीं सकता, लेकिन रिजल्ट समझ में आ रहा है कि ऐसा ऑप्शन मार्क, एक्सपोनेंशियल के ऊपर लॉग से ऊपर कम आते हैं ना मेडिकल में, इसलिए बोल रहा हूँ, आपका काम वहीं तक चलता है, पर ये फॉर्मूला अगर मार्क करने को आ जाए तो ऐसे करने। इवन नॉन मेडिकल के लोग, जरूरत नहीं है इसके मैं कराने जा रहा हूं, पर फिर भी हमारा काम तो है हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्योंकि ये एक्चुअल तरीका इंटीग्रेशन से किया हुआ तरीका है, इसमें एवरेज वर्ड यूज भी नहीं हो रहा, सब कुछ इंस्टेंटेनियस पे हो रहा है, तो जो न्यूमेरिकल मैंने आपको अभी दिया था, जो शॉर्टकट से ऊपर मेथड वन से करवाया, उसी न्यूमेरिकल को इससे करके देखते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर 60 से 40 हो गया 7 मिनट में, तो आप एक काम करें, T1 को 60 पुट करें, T2 को 40 पुट करें, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 है, टाइम की जगह 7 पुट करें, 7। ये क्वेश्चन नंबर वन।
ठीक है, इक्वेशन में 1 आ गई, और आपको क्या निकालना है इसमें, टी तो निकालना है आपको, फाइनल टेम्परेचर तो निकालना है। तो ये फर्स्ट केस है, रादर फाइनल 60 से 40 गिवन है ये रहा। दूसरे केस में टेम्परेचर 40 से टी हो गया, तो 40 से टी हो गया 7 मिनट में, तो ये टर्म आ गई। दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है। इक्वेट किया, आंसर फिर 28 डिग्री आया, टेस्टेड है। तो मेथड 2 बाय इंटीग्रेशन है, मेथड 1 शॉर्टकट है। तो क्यों करेगा कोई इंटीग्रेशन, कोई क्या करेगा, शॉर्टकट लगाएगा। तो आप मेथड 1 सी कर दें, मेथड 2 रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए ये आंसर दिया है मैंने, जो घर में जब सीरियसली पढ़ेंगे, उनके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ने इंटीग्रेशन क्यों नहीं यूज की, एवरेज वर्ड क्यों यूज कर दिया। तो मैंने उनके लिए इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, जबकि रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम अपना क्वेश्चन इससे कर लेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की एक अजम्पशन भी है कि बॉडी का टेम्परेचर, ये तब लगता है जब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। 80 डिग्री से 40 डिग्री बड़ी बात नहीं है, पर अगर आप मुझे कहोगे मैं लोहे का पीस ले आया जिसका टेम्परेचर मान लो 500 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का -5, अब लगाओ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, लोहा कब ठंडा होगा, ये फेल है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है ओनली फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस, नॉट फॉर लार्ज टेम्परेचर डिफरेंसेस। इसका प्रूफ देखना पड़ता है, इसका रीजन, प्रूफ मैंने भी करवाया नहीं है, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, उसमें हम बाइनोमियल लगाते हैं। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? और प्रूफ करने के लिए स्टीफन लॉ करना पड़ता है, स्टीफन लॉ भी आया नहीं है। ऑप्शनल है प्रूफ, मैं करवाता नहीं हूँ, हालांकि बुक में डाल रखा है मैंने, तो वैसे ही शौक चढ़े तो कर ले, रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, गलती से डल गया सच बताऊं, हटाना ही चाहिए था मुझे। ठीक, पर इट्स ओके, यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो मेंस और नीट वाले बहुत पूछते हैं, और इतना सुनने के बाद भी लोग गलत कराएंगे अगर ना मेरी बात की आखिरी बात ना सुने। तो वो बात क्या है, वो कहेंगे कि इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जितना ज्यादा रेट टेम्परेचर का ज्यादा होगा गिरने का, बॉडी उतनी जल्दी ठंडी होगी, बॉडी उतनी जल्दी ठंडी होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट है, वो आपको क्वेश्चन में देगा। दो किस्म की बॉडीज हैं, दोनों का मास सेम है, वो कहेगा एक की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, एक की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका रेट ठंडा होने का कम है तो लेट ठंडी होगी, लेकिन एक की स्पेसिफिक हीट कम है तो वो जल्दी ठंडी होगी। तो रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, लिख लें डी टी बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/mc लिखना, क्योंकि मैंने एक न्यूमेरिकल और भी देखा है मेंस में, उसने मास भी डिफरेंट ले लिया दो बॉडीज का, एक 1 kg एक 2 kg, और स्पेसिफिक हीट ले लिया कि 10 एक ही 15, और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एक का गिवन है दूसरे का निकालना है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m into c। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस केस में। क्लियर है यहां तक? इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आखिरी एक और याद आया पुराने पेपर में से, कि वो ना वर्ड यूज करेगा रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग dQ/dt, जो मैंने आज लिखा था डेफिनेशन में, रेट ऑफ कूलिंग ये रहा। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है dQ/dt, लिख लें फॉर्मूला के अंदर, रेट ऑफ कूलिंग मींस -dQ/dt, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या होगा dQ/dt। कंफ्यूजन पता है किसमें होती है, dT/dt ये टेम्परेचर का रेट है और ये हीट का लूज करने का रेट है, रेट ऑफ कूलिंग वो R से रिप्रेजेंट करता है, R का मतलब क्या होता है dQ/dt। तो रेट ऑफ कूलिंग R के साथ न्यूमेरिकल मिलेंगे, R का मतलब dQ/dt। क्लियर है?